जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत अपने नेवी के लिए यूएस और रशिया से खरीदेगा नए मिसाइल सिस्टम्स। गलवान क्लैश पर बन रही है फिल्म। भारत अपने बॉर्डर्स को मैनेज करने के लिए इसराइल के टेक्नोलॉजीज की भी ले सकता है मदद। इंडियन नेवी के PA-TIE एयरक्राफ्ट के एयर क्रू की ट्रेनिंग के लिए एक नए सिमुलेटर का किया गया है उद्घाटन, जो कि है एशिया का अपने तरह का ऐसा पहला सिमुलेटर। और पाकिस्तान के DGISPR के मुताबिक भारत ने 2023 में उनके एयर स्पेस का 3 बार किया है उल्लंघन। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत यूएस और रशिया इन दोनों देशों से करीब 200 मिलियन यूएस डॉलर्स तक की कीमत वाले मिसाइल सिस्टम्स को खरीदने की योजना बना रहा है। और इस मामले पर जो ANI की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में डिफेंस सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि इन खरीद के लिए इंडियन डिफेंस फोर्सेज की तरफ से जो प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के सामने रखा गया था, तो वो अपनी एडवांस स्टेज में है। और इसके तहत इंडियन नेवी ने रशिया से करीब 20 क्लब एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स और यूएस से हार्पून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम्स को खरीदने का प्रस्ताव भी दिया है। रशिया से लिए जाने वाले क्लब मिसाइल्स को इंडियन नेवी की सरफेस वॉरशिप्स और सबमरीन्स दोनों में ही इंटीग्रेट किया जाएगा। और रही बात यूएस की हार्पून मिसाइल सिस्टम की, तो इस डील की कीमत होगी लगभग 80 मिलियन यूएस डॉलर्स और इसे फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के माध्यम से ही लिए जाने की उम्मीद है। और जबकि यूएस कांग्रेस ऑलरेडी भारत के लिए हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट की सेल को अप्रूव कर चुकी है। और ये हार्पून मिसाइल्स इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट यानी कि PA-TIE और सबमरीन्स में ऑलरेडी इंटीग्रेट किए गए हैं। बाकी भारत की तरफ से यूएस से एक हार्पून जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट को खरीदने को लेकर भी बात की गई है। और इस पूरे सेट में एक हार्पून इंटरमीडिएट लेवल मेंटेनेंस स्टेशन, कुछ स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर पार्ट्स, सपोर्ट सिस्टम्स, टेस्ट इक्विपमेंट, पब्लिकेशंस एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, पर्सनल्स की ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विसेज और बाकी के प्रोग्राम सपोर्ट रिलेटेड एलिमेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। हालांकि भारत ट्रेडिशनली रशियन वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल करता आया था, लेकिन पिछले 2 दशकों में भारत ने अपने एक्विजिशंस को डाइवर्सिफाई किया है और जिसमें भारत ने यूएस, फ्रांस इन देशों से भी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट्स करी हैं। इंडिया टुडे की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन की सेना के बीच हुए गलवान क्लैश पर अब एक फिल्म बनने जा रही है और इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अपूर्व लाखिया और इसके माध्यम से भारतीय सेना की गौरव गाथा को सबके सामने लाने की कोशिश की जाएगी। और इस सब में सबसे अच्छी बात हमें ये लगी है कि ये जो फिल्म है ये मिस्टर शिव अरूर और मिस्टर राहुल सिंह द्वारा लिखी गई इंडियाज मोस्ट फेयरलेस पार्ट 3 वाली बुक पर आधारित होने वाली है, क्योंकि इस बुक में गलवान घाटी वाले इंसिडेंट को काफी डिटेल में और काफी अच्छी तरह से बताया गया। अगर आपने बुक अभी तक नहीं पढ़ी है तो हम आपको हाईली रिकमेंड करेंगे कि इस बुक को जरूर पढ़िए। और ये बुक अमेजोन पर उपलब्ध है। बाकी इस गलवान घाटी वाली फिल्म के स्टार कास्ट कौन होंगे तो अभी इसके बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। और इस अनाउंसमेंट के बाद से हमें तो इस गलवान वाली फिल्म का काफी बेसब्री से इंतजार है और बस उम्मीद करेंगे कि हमारी उम्मीदों पर खरी उतरे। बाकी गलवान घाटी वाली घटना पर हमने भी ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी इस गलवान घाटी वाली फिल्म को लेकर आपके जो भी विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष मई के महीने में भारत और इसराइल के बीच होमलैंड एंड पब्लिक सिक्योरिटी पर JSC यानी कि जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की 4th मीटिंग कंडक्ट की जा सकती है। और जबकि भारत और अमेरिका के बीच भी 3rd होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को कंडक्ट कराने को लेकर भी डिस्कशन चल रहा है। और बाकी भारत और इसराइल के बीच जिस JSC मीटिंग की बात की जा रही है, तो इस मीटिंग के दौरान भारत और इसराइल पुलिस फोर्सेज की मॉडर्नाइजेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट, तो इन सभी अलग अलग क्षेत्रों पर अपने बीच के कोऑपरेशन को बढ़ाने को लेकर डिस्कशन कर सकते हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि भारत जो कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, अफगानिस्तान इन सभी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और इन बॉर्डर्स का जो अधिकतर हिस्सा है तो वहाँ पे अभी भी फेंसिंग नहीं है और इसलिए इन सभी अनफेंस बॉर्डर्स के लिए भारत कुछ नए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रहा है और संभावना है कि इस सॉल्यूशन को ढूंढने में इसराइल भारत की मदद कर सकता है। बाकी इसके अलावा कल 24 अप्रैल को भारत और यूएस एयरफोर्स के बीच आयोजित किए गए कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज के 6th एडिशन की समाप्ति हो चुकी है। ये जो एक्सरसाइज है करीब 2 सप्ताह तक एयरफोर्स स्टेशन क्लाईकोंडा, पानागढ़, आगरा तो यहाँ पर कंडक्ट की गई थी। इसमें इंडियन एयरफोर्स के रफाल, तेजस, Su-30 MKI, जैगवार, C-17 और C-130 एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं यूएस एयरफोर्स के F-15 स्ट्राइक ईगल, C-130, MC-130J, C-17 और B-1B बॉम्बर ने पार्टिसिपेट किया था और जापानी एयरफोर्स इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल थे। और ऑफिशियल्स के मुताबिक इस एक्सरसाइज के दौरान इंटेंस फ्लाइंग ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए। मल्टीपल मिशंस में दोनों देशों की फोर्सेस ने एक साथ उड़ान भरी ताकि अपने बीच की विजुअल रेंज और बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट एम्प्लॉयमेंट को इन्हेंस किया जा सके। और इस दौरान दोनों देशों के एयरफोर्सेस को एक दूसरे से काफी कुछ नया जानने को मिला है और अपनी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने का मौका भी मिला है।
जैसे कि पहले भी रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा जा रहा था कि पुंछ वाले हमले की जिम्मेदारी PAFF नाम के संगठन ने ली है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि इस हमले को किसी एक संगठन ने नहीं बल्कि 2-3 संगठनों ने एक साथ मिलकर अंजाम दिया था, जिसमें जैश, लश्कर, PAFF ये सभी शामिल हैं। तो अब हुआ यह कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित सुवर्णको संगठन PAFF ने इस पुंछ वाले हमले से संबंधित कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज करी हैं, जिसमें से एक में आप आर्मी के उस मिलिट्री ट्रक को देख सकते हैं जिस पर हमला किया गया था, और ये फोटो हमला करने से पहले ली गई है। और इस सुवर्णको संगठन PAFF ये भी दावा कर रहा है कि वे जल्द ही इससे संबंधित वीडियो भी जारी करेंगे। और आपको बता दें कि PAFF ने 11 अक्टूबर 2021 को पुंछ के सुवर्णकोट में हुए अटैक के बाद भी ऐसे ही कुछ फोटोज रिलीज करी थी। बाकी मैं पूरी उम्मीद है कि PAFF जैसे जितने भी सुवर्णों के संगठन हैं तो इनका होरिफिकेशन करके इन्हें जल्दी होरिफाइड किया जाने वाला है। बाकी RR का नाम तो आप सभी ने सुना ही है, इसका नाम ही काफी है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने जी द्वारा INS राजाली में अत्याधुनिक PHI एयरक्राफ्ट के सिमुलेटर का उद्घाटन किया और इसका नाम रखा गया है अशोक रॉय ट्रेनिंग सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स। इस फैसिलिटी के थ्रू जो एयरक्रू है वो सभी तरह के ऑपरेशनल मिशंस, कॉम्प्लेक्स मिलिट्री सिनेरियोस, तो इन सभी में प्रैक्टिस कर सकेंगे। और PHI जैसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए जिस पर्याप्त ट्रेनिंग की जरूरत होती है तो उस जरूरत को ये फैसिलिटी पूरा करेगी। और इस ट्रेनिंग सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स का जो नाम रखा गया है तो ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले लेफ्टिनेंट कमांडर अशोक रॉय के सर्वोच्च बलिदान के सम्मान में है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडियन नेवी ने 2018 में बोइंग के साथ एक टर्न की प्रोजेक्ट को साइन किया था और जिसके तहत इस तरह के सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स को बनाया जाना था, और ये पूरी दुनिया में इस तरह का चौथा प्रोजेक्ट है। जबकि इससे पहले इस तरह का प्रोजेक्ट बोइंग ने US, UK, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी साइन कर रखा है, और जबकि एशिया में ये पहली बार भारत के साथ साइन किया गया है। और बाकी ये ट्रेनिंग फैसिलिटी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के साथ एक्चुअल एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को कम करेगी, जिससे हमारे पास अधिकतर संख्या में एयरक्राफ्ट हमेशा मौजूद रहेंगे। इस फैसिलिटी की मदद से जो एयरक्रू है वो इमरजेंसीज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि इंजन फेलियर, फायर, रैपिड डिकम्प्रेशन, रिजेक्ट टेक ऑफ और ऐसी बाकी की इमरजेंसीज। और इस तरह की इमरजेंसीज को आप एक्चुअल फ्लाइंग मिशंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो इसलिए इस सिमुलेटर की जो इंपॉर्टेंस है वो अपने आप में और बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो सिमुलेटर है ये टेक्निकल टीम को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा 3D सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के साथ रूटीन और स्पेशल मेंटेनेंस प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस करने के लिए। और इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न ये है कि PHI एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के सर्विस में सबसे पहले कौन से वर्ष में इंडक्ट किया गया था। ताइवान न्यूज के मुताबिक रविवार सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के पास 13 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 3 नेवल वेसल्स को ट्रैक किया गया है, और इन एयरक्राफ्ट में Z-9 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर भी शामिल है। बाकी इसके अलावा जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान के ही जाने माने पत्रकारों ने इस बात को खुलासा किया था कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, तो उन्होंने भारत के साथ कश्मीर को लेकर सीक्रेट टॉक्स कंडक्ट करी थी और ये भी बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इंडियन आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकती है। आज पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कुछ और रिपोर्ट्स देखने को मिली है, और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आज मंगलवार को पाकिस्तान की ऑफिशियल प्रोपेगेंडा मशीनरी जो कि ISPR के नाम से जानी जाती है, यानी कि इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, तो ISPR के DG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तरह की बातें करी हैं, लेकिन उनमें से जो एक बात है जो ध्यान देने वाली है कि उसमें उनका यह दावा है कि इस करंट ईयर में यानी कि इस 2023 में भारत ने LOC पर सीज फायर का 56 बार उल्लंघन किया है, और जिसमें एयर स्पेस का 3 बार उल्लंघन, 6 सीज फायर उल्लंघन, 25 बार टेक्निकल एयर स्पेस का उल्लंघन और 22 इंसिडेंट्स इसमें स्पेक्युलेटिव फायरिंग वाले काउंट किए गए हैं। और तो और ये तक कहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने 6 स्पाई क्वाड कॉप्टर्स को शॉट डाउन किया है, और इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की आर्मी भारत के इस तरह के प्रयासों को डील करने के लिए हमेशा तैयार है। और बाकी पाकिस्तान की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी ISPR, तो ये तो वैसे भी प्रसिद्ध है भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए, तो इनकी बातों को सीरियसली लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन हम आपको एक वीडियो जरूर रिकमेंड करेंगे जो कि हमने कुछ दिनों पहले डिफेंस ज्ञान सीरीज में अपलोड करी थी, और जो कि पाकिस्तान की इसी प्रोपेगेंडा मशीनरी ISPR के बारे में, और जिसमें हमने इस बारे में चर्चा करी कि किस तरह से पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी काम करती है और खास करके भारत के खिलाफ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही अमरदीप सिंह और सिपाही परमजीत सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2014 में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर मुकुंद वरदराजन और सिपाही विक्रम सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। मेजर मुकुंद को मरणोपरांत अशोक चक्र से और सिपाही विक्रम सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।